अभी ये बहुत जल्दी गायब हो जाएगी, और यहाँ की जो चलो तुम करते रहो बस, तो यार एक शेक बना के पीना, शेक से भी आपकी गेनिंग काफ़ी अच्छी होगी। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एब्स वर्कआउट पे और डाइट प्लान पे, क्योंकि एब्स तो जैसे सुभाष के बने हुए हैं, काफ़ी लड़कों के बने हुए हैं, आपने देखे भी होंगे, और जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफ़ी के बने हुए भी हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रखे थे, जैसे सुभाष की बॉडी है ऐसी बॉडी है, लेकिन उनके प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जो भी खाते हैं ना उनकी बॉडी को लगता नहीं है, लगने का मतलब है कि उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है, साइज नहीं बढ़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर वो चीज़ बताऊं मैं, उस चीज़ को आप यूज़ करोगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, अगर सही तरीके से करोगे तो, अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो फिर वही लफड़ा है कि आपकी बॉडी ग्रो नहीं करी। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना और बिना टाइम गंवाए हम करेंगे 3 तो एप्स के वर्कआउट, और उसके बाद में बताएंगे आपको अपनी गेनिंग डाइट जिससे अपना वजन बढ़े। तो हम करने वाले हैं एप्स के 3 वर्कआउट, तो कंटिन्यू आप बने रहिए, जो बेस्ट वर्कआउट है जो आप अपने घर पे कर सकते हो, और आप सोच रहे हो कि भाई के तो एप्स है नहीं, एप्स वर्कआउट के बारे में बता रहा है, तो भाई मैं गेन कर रहा हूँ बॉडी को, कम से कम 80 किलो के करीब अपनी बॉडी को लेके जाऊंगा, अभी मैं 69 केजी में हूँ और मेरे को जाना है लगभग 80 केजी, यानी 80 केजी के लगभग जाना है, और फिर जाके हम कटिंग करेंगे, क्योंकि वेट बढ़ाएंगे तभी जाके हमारी बॉडी में साइज आएगा और कटिंग भी बहुत ख़तरनाक वाली आएगी, वेट बढ़ाएंगे फिर कट करेंगे तो। तो आपको मैं बता दूँ, जैसे सुभाष की बॉडी में कटिंग अच्छी है लेकिन गेनिंग नहीं है, तो आपको अगर एप्स बनाना है तो एप्स के लिए मैं अभी आपको 3 वर्कआउट बता ही रहा हूँ, और गेनिंग करनी है तो गेनिंग के लिए मैं डाइट इसके बाद में बताऊंगा मैं आपको, तो कंटिन्यू बने रहिए। तो चलो सुभाष पहला वर्कआउट करते हैं अपने, हाँ ऐसे टांगे आगे की तरफ, ठीक है, हाँ ऐसे सही। तो देखिए आप एब्स पे काफ़ी अच्छा लोड आ रहा है और काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा अगर आप ये वर्कआउट करोगे, तो इससे क्या होता है जैसे हमारी बॉडी का ये फैट है ना पेट का, ये फैट बहुत जल्दी चला जाएगा और हमारे एब्स है काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो ये वर्कआउट आपको करना है कम से कम, आपको चलो रुक जाओ कोई नहीं रुक जाओ, कम से कम आपको क्या करना है कि इसके फर्स्ट में आपको 25 रैप लगाने, 25 25 के अगर 3 लगा सकते हो तो बेस्ट है, वरना 25 के 20 के और 15 के तो लगाने ही है। तो इस प्रकार से आपको ये वर्कआउट करना, पहला वर्कआउट, और सेकंड वर्कआउट है यहाँ पर करके दिखाओ, चलो हाँ ऐसे। तो ये पोजीशन आपको लेनी, जैसे एक टेबल हो गई आगे, पीछे डंबल हो गया, अब नीचे जाओ, ऐसे नीचे आना है, ठीक है, अब ऊपर। तो देखिए जो हमारी बॉडी के जो ये होती है ना, ये चर्बी, ये बहुत जल्दी गायब हो जाएगी, और यहाँ की जो चलो तुम करते रहो बस, जो यहाँ का ये फैट होता है ना, ये बैक का फैट, ये भी गायब हो जाएगा और यहाँ का फैट गायब हो जाएगा, तो हमारी कटिंग है बहुत शानदार आएगी। तो ये वर्कआउट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले वाला वर्कआउट और ये वर्कआउट बेस्ट वर्कआउट है, और एक और वर्कआउट बताऊँगा जो और भी शानदार वर्कआउट है, तो कंटिन्यू बने रहिए। चलो ठीक है सुभाष, तो आपको मैंने 2 वर्कआउट बताया, आपको समझ में आ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये दोनों वर्कआउट कैसे थे, और अभी हम तीसरा वर्कआउट करने वाला है, तो कंटिन्यू बने। तो अब हमारा जो लास्ट वर्कआउट है, जो तीसरे नंबर वर्कआउट है एब्स का, तो वो अभी हम इस पे करने वाले हैं। जैसे ऐसा कोई भी स्टैंड हो अपने घर के अंदर या फिर आपके बनाया हुआ हो, तो उस पर आप करना, चलो बस करो स्टार्ट, ऐसे रखना है और अपनी बॉडी को पीछे नहीं जाने देना, और टांगे आगे की तरफ करनी, चलो सबस। तो इससे देखो इसके एप्स पे कितना अच्छा फोर्स आ रहा है, कितने अच्छे एप्स दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं तो बनेंगे भी ज़रूर इस वर्कआउट से, तो ये वर्कआउट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने आपको चलो ठीक है, हमने आपको 3 वर्कआउट बताए एप्स के, तो आपको कैसे लगे हैं, और ये आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको एप्स बनाना है तो काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा, तो कंटिन्यू बने रही। अब हम आपको बताते हैं डाइट के बारे में, तो अब हम करने वाले हैं डाइट के बारे में बात, डाइट वो आपको बताऊंगा जो आपके घर पे अवेलेबल हो और जो आपके गांव में ही मिल जाए, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं हमारा वीडियो वो ज़्यादा करके आया कि गाँव से देखते हैं लोग, क्योंकि देसी वर्कआउट है, देसी वर्कआउट ज़्यादातर लड़के अपने गाँव में करते हैं, घर में करते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इस डाइट से प्रॉफिट होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। तो डाइट हमारी है, आपको क्या करना है कि पहली डाइट आपको ये लेनी है कि आप जैसे ही मान लो कि शाम को सोते हो, सोते वक्त आपको क्या करना है, चने मूंग और मूंगफली जो आपके घर में भी मिल सकती है और आपके गांव में भी मिल सकती है, वो आपको क्या करना है, शाम को भिगोना है, लगभग इतने इतने भिगोने हैं, और वो आपको सुबह को खाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सुबह को वर्कआउट करते हो, सुबह के वर्कआउट से पहले आपको क्या करना है, 2 केले खाने, और वर्कआउट के तुरंत बाद आपको 2 केले खाने, ठीक है, 2 केले खा लिए, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे चने हो गए, मूंगफली मूंग हो गए जो हमने शाम को भिगोए थे, वो आपको क्या करना है, वो खाने, और उसके साथ कम से कम 3 से 4 अंडे भी खाने, उससे क्या आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, और जो हमारे कार्ब्स है वो भी मिलेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला, आपकी गेनिंग भी होगी और बॉडी में कटिंग भी आएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद में और क्या करना है, जैसे मान लो कि अपने घर में जो भी खाना बना है वो लेना है,
और उसके बाद आपको गेनिंग के लिए और डाइट लेनी। उसमें क्या करना, आपको चावल लेने, थोड़ा सा दही ले लेना, और उसके साथ में क्या करना, आपको अंडे भी लेने। तो उससे क्या प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्ब्स भी मिल जाएगा, और दही से क्या है हमारी पाचन शक्ति वो अच्छी होती है, हमारा खाना है वो थोड़ा सा अच्छा पचता है, ठीक है ना। तो आपको लेना है। और शाम के टाइम में आपको क्या करना, जैसे हमारे 3-4 बजे के करीब अगर शाम को वर्कआउट करते हो तो उससे पहले आपको केले खाने हैं। केले खाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेब खा सकते हो साथ में, तो सेब भी खा लो, क्योंकि कुछ लोग हैं सेब खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि महंगा भी होता है, और केले आसानी से मिल भी जाता है। मेरे गाँव में काफ़ी बार सेब मिलता ही नहीं है, लेकिन केले मिल जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। और आपको शाम को क्या करना है, जैसे मान लो एक तो दिन में आपको क्या करना है कि केले, दूध और ड्राई फ्रूट्स का एक शेक बना के पीना। शेक से भी आपकी गेनिंग काफ़ी अच्छी होगी। और क्या करना है, जैसे शाम को खाना खा लिया हमने, शाम को सोने से पहले आपको क्या करना है, लगभग 250 ग्राम के करीब आपको दूध पीना है, और उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर टहल के फिर सोना है। तो दूध से क्या है कि हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती है, उसमें कैल्शियम होता है, और काफ़ी अच्छी हमें एनर्जी भी मिलती है हमें सुबह जब वर्कआउट करते हैं तब। तो ये तो है हमारी डाइट, जो आपके घर पे भी मिल जाएगी, आपके गांव में भी मिल जाएगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और यही सुभाष यूज कर रहा है ना, सुभाष यही कर रहे हो ना यूज काफ़ी समय से, और इसकी बॉडी में बदलाव भी आ रहा है, और धीरे धीरे इसकी गेनिंग भी हो जाएगी, साइज़ भी बढ़ जाएगा। अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते हो तो आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा, और जो हमारे पहले भी वीडियो देखते होंगे तो उन्हें भी पता है कि सुभाष की बॉडी पहले कैसे थी। बॉडी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैट था, जो फैट अनहेल्थी था, जिसमें कि उसका कोई मतलब नहीं था, और वो एकदम भद्दा भी लगता था, जैसे यहाँ पे था फैट। अब तो ये फैट नहीं है, हड्डियाँ ही दिख रही है, क्योंकि फैट यहाँ का जो गंदा फैट था, जो काफ़ी ऐसे ऐसे फैल रहा था, जो अजीब सा लग रहा था, तो वो फैट तो गायब हो गया है। अब बॉडी एकदम लेवल सही सा बन चुका है। अब इसे हम कराएंगे गेनिंग, जिससे इसका बड़े साइज। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।